तो स्वागत है आप सबका। आज हम लोगन पॉल वर्सेस केएसआई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर थोड़ी बहुत कमेंटरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगन पॉल को सबके सामने बुलाया जाए। अरे यार, सुबह सुबह एक लड़की ने ब्लोजॉब दे दिया जिसकी वजह से कमजोरी सा लग रहा है और बॉडी कपकपा सा रहा है, लेकिन स्टेज में तो जाना पड़ेगा, नहीं गया तो इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता। सुन बे गोरिल्ले, अगली बार का जो फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट होने वाला है उसमें मैं तुझे चांस देने वाला हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मुझे सुबह सुबह एक ब्लो जॉब मिला है। लड़की ने मेरा लंड वैसे ही पकड़ा था जैसे मैंने इस माइक को पकड़ रखा है, और ये सबको सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से ही मुमकिन हुआ है, क्योंकि अगर आपने मुझे व्यूज और सब्सक्राइब नहीं किया होता तो वो लड़की मेरा लंडा जैसे नहीं पकड़ती। यही तो यूट्यूब है, आप समझ रहे हो। आप मेहनत करो, आप सब करो, लेकिन ब्लो जॉब मुझे मिलेगा। ये कुछ बोला क्या तूने? हाँ, तेरा मुंह खोलने का कोशिश कर रहा है तू। तेरे फेयर एंड लवली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं क्या? बोल, कर दूं? अरे भाई प्लीज भाई, फेयर एंड लवली का नहीं भाई। चल ठीक है, छोड़ दिया। थैंक यू भाई। मेरा एक पर्सनल सवाल है इन दोनों से। जैसे कि इन दोनों के शक्ल को देख के लगते लोग दिन भर हिलाते रहते हैं, तो मुझे ये जानना है कि ज्यादा अच्छा ब्लो जॉब कौन देता है, मियां खलीफा या सनी लियोनिया? क्या बात है चाचा, बड़े रसीले निकले आप तो। लेकिन मुझे लगता है कि मियाँ खलीफा ज्यादा अच्छी है। सनी लियोनी पता है अभी उतनी अच्छी रही नहीं। अरे ये मियाँ खलीफा और सनी लियोनी दोनों गई भाट में, मेरे पास मेरे फेयर एंड लवली का कॉन्ट्रैक्ट तो है ना अभी भी। आज मैं लोगन पॉल को शुक्रिया कहना चाहता हूँ मुझे फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। शुक्रिया लोगन पॉल। और लगता है लोगन पॉल को केएसआई के सिर में एक मच्छर दिख रहा है, और लोगन पॉल सोच रहे ये बहनचोद मच्छर गया किधर, कहीं ये इसके बालों के नीचे तो नहीं, इसके बाल हटा के देखता हूँ। नहीं नहीं मिल रहा, लगता है कपड़े के नीचे होगा। लेकिन ये क्या, केएसआई तो उसको मारने के लिए आ चुका है, और लोगन पॉल बोल रहा है बहनचोद भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, उसको मैं डेंगू होने से बचा रहा था, ये मुझे ही मारने आ रहा है। और ये होने के बाद लोगन पॉल के सारे पार्ट टाइम डॉक्टर्स आ चुके हैं केएसआई को समझाने के लिए कि भाई वो सच में डेंगू का ही मच्छर था, हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। और सारे पार्ट टाइम डॉक्टर्स के समझाने के बाद हमारे केएसआई भाई सच में समझ गए, और केएसआई बोलने लगा कि ठीक है भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी किया उससे मेरे फेयर एंड लवली के एडवर्टाइजमेंट में कोई लफड़ा नहीं आना चाहिए बस। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको फेयर एंड लवली पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फेयर एंड लवली पसंद नहीं है तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए यार, क्या फर्क पड़ता है, आपको फ्री का है ये पूरा का पूरा। और फेसबुक में ओ कमेंटेटर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। चलो थैंक यू भाई।